कर्नाटक में पिछले 6 साल से सॉरी 6 महीने से हम आजान के खिलाफ आंदोलन करते करते अब तक आया है। नवंबर में तहसील कचहरी से हम इस कर्नाटका गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया था जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर हटाने के लिए, लेकिन अब तक वो लाउड स्पीकर के ऊपर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, उनके वो खिलाफ कोई भी कानून कार्यवाही नहीं हुआ है। सबको सप्रेम जय भीम। मैं हनुमंत एलसंगी, स्टेट प्रेसिडेंट दलित सेना। मैं भी यहाँ गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। अभी अभी हमने एक ये मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये यहाँ गुलबर्गा के एक आंदोलन स्वामी बोल के एक एक स्वामी जी है, सिद्धलिंग स्वामी बोल के, उसने बात कर रहा था कि हमने 6 महीने से ये मस्जिदों के ऊपर का जो स्पीकर्स है, लाउड स्पीकर है, वो हटाने के मांग लेकर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालने कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने 8 तारीख तक गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम 8 तारीख तक अगर ये सरकार एक्शन नहीं लिया तो हमने 9 तारीख को ये हर मस्जिद के सामने वो डिजिटल डाल भी जैसे बहुत बड़ा साउंड सिस्टम से लेकर हम वहाँ जाके वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं बोल के एक स्टेटमेंट दिया। उनके वो खिलाफ कोई भी कानून कार्यवाही नहीं हुआ है, इसके वास्ते हम इसी महीने 8 तारीख डेडलाइन दे रहा है गवर्नमेंट को। 8 तारीख तक ये अनधिकृत लाउड स्पीकर जो है वो लाउड स्पीकर निकलना चाहिए, जो नहीं निकलेगा उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए। इसलिए हम 8 तारीख तक एक टाइम दे रहा है, 8 तारीख तक नहीं करे तो 9 तारीख मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा डबल साउंड से उधर हम रिकॉर्ड डालने वाले हैं और मंदिरों के ऊपर भी सुप्रभात डालने वाले हैं। थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है वो वायलेट कर रहे हैं वो आंदोलन स्वामी। ये लोग समझ रहे हैं कि कल परसों CM के पास जाके बैठ के बात करके आए, लोग ये प्रमोद मुतालिक ये कुछ स्वामी लोग गए थे CM के पास जाके बात करके आए लोग, तो CM इन लोगों को बगल में हाथ डाल के बैठ के बात किए तो ये समझ रहे कि कानून हमारे हाथ हमारे हमारे है और घर हमारे घर का है बोल के। ये 9 तारीख को मैंने भी अभी मैं जो यहाँ गुलबर्गा के जितना भी मुस्लिम लीडर्स है, दरगाह के लीडर्स है और समाज धार्मिक चिंतक है, उन लोगों से आज मिलने वाला हूँ। मैं भी मिलने जाता हूँ, दिल्ली से पूरा टीम है। ये जो भगवा झंडा लेकर जो मस्जिद के सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई मुस्लिम एरिया में तुम्हारे काम क्या काम काम क्या रहता है भाई? तुम जाओ उधर, तुम्हारे मंदिर में जाओ, वहाँ भजन करो, डे एंड नाइट भगवान की पूजा करते रहो, तुमको कौन ना बोलता है? और ये जाके वो मुस्लिम एरिया में जाके मुस्लिम की जो मस्जिद के सामने जाके ये करते तो ये खुजली हो रही है तुम्हारे शरीर में ज़्यादा? कानून का डर नहीं है तुमको? ये कर्नाटक में सरकार जिंदा है या मरा हुआ है? ये नहीं देख रहे सरकार, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे मालूम है? वो मस्जिद जो अन्य धर्म के लोगों के सामने जाके ये समाज के जो स्वास्थ्य है ये टोटल डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। इनको ये आंदोलन स्वामी है, इनको इमीडिएट अरेस्ट करना है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, किसी हाल में इनको अरेस्ट करना है अभी। अगर ये 8 तारीख को मैं ये अल्टीमेटम दे रहे गवर्नमेंट को, अगर 8 तारीख को ये सरकार, अरे भाई आंदोलन स्वामी, अरे हर गांव में एक दरगाह रहता, एक मस्जिद रहता है और हर गांव में मस्जिद में स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं लगाते लोग, ये समझ में आना चाहिए तेरे को। और एक बात, हर गांव में हर समाज के हिंदू के मंदिर है, हर मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के पूरे गांव सुनने तो इतना साउंड साउंड लगा के पूजा करवाते हैं। प्रेयर शुरू होता है 5 बजे से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक, ये नहीं सुन रहे तुमको? ये नहीं दिख रहा तुमको? ये सब छोड़ के तुम खाली वो मस्जिद के ऊपर का जो स्पीकर निकाल वो करना, ये करना करना करना, ये गलत बात, गलत हरकत है। ये हिंदू आतंकवादी
ये जो हिंदू के नाम से जो टेररिज्म जो फैला रहा है, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। ये जो यहाँ की जो मुसलमान है, मुसलमान हमारे देश के, हिंदुस्तान के हैं, वो लोग देश के लिए लड़े, वो लोग देश के लिए प्राण त्याग किए, वो लोग उस मिट्टी के उनका नाते हैं मुसलमानों का, तो उनके खिलाफ तुम बहुत बात कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं तुम लोग, बहुत हो गया तुम लोगों का। जो मैं दलित सेना की एक स्टेट प्रेसिडेंट होकर मैं भी चैलेंज करना चाहता हूँ, अभी चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है तो आंदोलन। स्वामी तू तो रो जाओ तेरा टीम के साथ, भगवा झंडे के साथ हम नीली पड़े पूरा टीम, बाबा साहब अंबेडकर के जो साथी लोग है मुसलमान के साथ हम है, हम वहाँ मस्जिद के पास हम मुसलमान यंगस्टर्स के साथ हमारे दलित सेना पूरा लीडर्स को नीली पड़े तो नीला दुपट्टा डाल के हम आ रहे। अगर ताकत है तो तुम आके वहाँ जा हनुमान चालीसा पढ़ो, हम देखते कौन हम तुम हनुमान चालीसा पढ़ाते क्या करते। अबे अरे तेरे को अक्ल तो आना चाहिए, अभी स्टेट गवर्नमेंट का ये है वो स्टेट गवर्नमेंट जो एक्शन लेने वाला स्टेट गवर्नमेंट है, तुम ऐसा जो हम अल्टीमेटम दे रहे तो तू कौन होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करने वाला स्वामी तू कौन होता है और तेरे को ये राइट कौन दिया है? हम भी हिंदू है भाई, हम भी हिंदू है, तो ये चलने नहीं देंगे हम। यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस कैंप, पुलिस को मालूम है ये एलसंगी क्या कर सकता है और क्या करने वाला है, बोल के देखना है तुमको स्वामी, तेरे को देखना है, तेरे प्रमोद मुताबिक देखना है, तेरे हिंदू आत्म को देखना है, तो देख उस टाइम 9 तारीख हम हर मस्जिद के सामने हम रहते हैं, ताकत है तो आओ देखेंगे। जय भीम।